हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम लोग nth रूट्स ऑफ यूनिटी डिस्कस करने वाले हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एल्जेब्रा में एप्लीकेशन है और इसमें जो नंबर्स आने वाले हैं वो भी थोड़े काम के रहते हैं। त्रिकोण में भी काफ़ी हेल्प करते हैं नंबर्स। ये बातें जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, लेट्स सी व्हाट इज इट। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, यूनिटी बोले तो वन का nth रूट है। तो ये जो चीज है, दिस इज डिफाइंड एज nth रूट ऑफ यूनिटी। अब बात यह आती है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। कई लोग इसमें जस्ट वन तो सोचेंगे, तो एक्चुअली वन जो आप सोच रहे हो वो सही सोच रहे हो, लेकिन जस्ट वन ही हो ये कोई आंसर नहीं है। एक्चुअली इसकी और भी बहुत सारी पॉसिबल वैल्यूज हैं। एन रूट ऑफ यूनिटी का मतलब एक ऐसी वैल्यू जिसकी पावर आप एन करो तो वन आना चाहिए। तो वन की पावर एन करोगे तो वन आएगा डेफिनेटली, तो वन तो आंसर रहेगा, लेकिन और भी नंबर्स हो सकते हैं। सो लेट्स सी वो सारे नंबर्स हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सारे नंबर्स को जब निकाल लेंगे उसी को यहाँ पे nth roots of unity बोलते हैं। हम वही हम यहाँ पे निकालने वाले। इसमें हम एक तो नंबर की पोलर फॉर्म यूज कर रहे हैं और यूलर्स फॉर्मूला यूज करेंगे, बाकी सब नेचुरली निकल के आएगा। सो लेट्स सी क्या करेंगे। तो इसी वैल्यू को चलो हम x बोल रहे हैं। तो एक तरीके से आप ये भी बोल सकते हो कि इस इक्वेशन के जो रूट्स है वो भी nth रूट्स ऑफ यूनिटी रहेंगे। तो इसका एप्लीकेशन इस टाइप की इक्वेशन सॉल्व करने में भी आएगा। बहुत रेयरली पूछा रहता है आपसे, बट ओके उसमें काम में आएगा। सो लेट्स सी nth रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होगी। ये जो वन है इसे मैं पोलर फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं आर यहाँ पे कोई भी इंटीजर। तो इसे देख के आपको लगना चाहिए कि इसके इनफाइनाइट वैल्यूज हो गई, क्योंकि आर अभी आप इनफाइनाइट वैल्यूज रख सकते हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। पर एक्चुअली खेल ऐसा है कि आर को जब आप इतनी सारी वैल्यूज रखोगे तो काफी वैल्यूज ओवरलैप होंगी। तो इसमें एक्चुअल जो वैल्यूज रहने वाली, जो डिस्टिंक्ट रहेंगी, वो एग्जैक्टली एन ही रहने वाली है। जो हम nth रूट ऑफ यूनिटी कर रहे हैं तो एग्जैक्टली एन आंसर आएगा इसका, एन वैल्यूज आने वाली है। तो वो वैल्यूज क्या होंगी अभी हम यहाँ देखने वाले हैं, और वो रिपीट होंगे, वो भी आपको यहाँ समझ में आएगा। इसे मैं लिख सकता हूँ e raised to iota 2r pi upon n। इसे मैं थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, इसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे। अब ये चीज तो फिक्स है यहाँ पे, n जब गिवन है तो इट इज फिक्स। तो इसको मैं ओमेगा बोल रहा हूँ। तो इस nth roots of unity जो है वो कुछ omega raised to r type की चीजें आ रही हैं, where omega is that one। So अब मैं r को यहाँ vary करा रहा हूँ, तो मैं 0 से start कर रहा हूँ। r जब 0 होगा तो ये 1, 1 होगा तो omega, 2 होगा तो omega square, n minus 1 होगा तो omega raised to n minus 1। Actually यही distinct values हैं। और जो values हैं वो देखो क्या होंगी, omega raised to n। एक्चुअली ओमेगा अगर वो है तो दैट रेज टू एन आप समझ सकते हो e रेज टू आयोटा 2 pi होगा, तो वन ही है। तो एक्चुअली वो यही है, तो ओवरलैप हो रहा है। थोड़ी देर पहले आपको बोला कि बाकी वैल्यूज ओवरलैप होंगे, तो आपको देखना चाहिए कि वो वैल्यू ओवरलैप हो रही है। ओमेगा रेज टू एन प्लस वन वो होगा ओमेगा रेज टू एन इंटू ओमेगा, तो वो तो ओमेगा ही हो गया, वो इसके साथ ओवरलैप करेगा एन सो वन। तो एक्चुअली आगे की सारी वैल्यूज ओवरलैप करेंगी, इन वैल्यूज को लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, वो कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज नहीं। सेम अगर आप पीछे की वैल्यूज लिखते, मींस आर को आप माइनस वन रखते तो वन अपॉन ओमेगा आता, तो ये कोई नई चीज नहीं होती। इसे अगर मैं ओमेगा रेस टू एन माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दूं तो ओमेगा रेस टू एन माइनस वन ऊपर होता और नीचे ओमेगा रेस टू एन होता जो कि वन है, हेंस ओमेगा रेस टू एन माइनस वन होती है इसकी वैल्यू। मीन्स ये जो वैल्यू है वो इसके साथ ओवरलैप कर रहा है एंड सो ऑन। तो इधर भी कुछ नई वैल्यूज नहीं है। तो एक्चुअल में जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज है वो ये है। तो फाइनली आप ये बोल सकते हो कि जो nth रूट्स ऑफ यूनिटी है वही होंगे, 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा रेज़ टू n माइनस 1, फिर ओमेगा इज e रेज़ टू आयोटा 2 पाई अपॉन n। सो ये nth रूट्स ऑफ यूनिटी की वैल्यूज हो गई। नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टीज बहुत मैटर करती है और इनका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, वो भी आपको हेल्प करेगा आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सो
इनकी ज्योमेट्री और लोकेशन और इनकी प्रॉपर्टीज हम लोग देखने वाले हैं लास्ट। ये तो सबको आप इंडिविजुअली अलग अलग देख सकते हो, पर सब एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो सीधा उस पैटर्न पर आते हैं। मान लो एक रूट है k रूट ओमेगा रेस टू k, ये सारे रूट्स जीपी में आ रहे थे अभी जो हमने देखे, तो इसके जस्ट आगे वाला रूट क्या होगा? ओमेगा रेस टू k प्लस 1, जिसे आप लिख सकते हो ओमेगा इंटू ओमेगा रेस टू k इंटू ई रेस टू आईवटा 2π अपॉन एन, ओमेगा की वैल्यू रख रहा हूँ। अब जो कंसेप्ट ऑफ रोटेशन में किया था वो बात हम यूज कर रहे हैं। ये एक जेड है और जैसे ई रेस टू आयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो क्या होना चाहिए लॉजिकली? ये ओमेगा रेस टू के की जो भी लोकेशन है उसका जो वेक्टर है वो 2π अपॉन एन से एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। दैट मीन्स अगर आपको किसी एक रूट की लोकेशन पता है तो अगली रूट की लोकेशन तो आप उसे 2π अपॉन एन से घुमा के निकाल सकते हो। तो वो जो सारे कॉम्प्लेक्स संबंध है उसमें एक रूट तो आपको पता ही है, एक रूट उसमें वन था, तो वन आप बोल सकते हो कि वो तो पता है हमको, ये रहा, तो ये हमको पता है। अब आगे के जो रूट्स आपको चाहिए तो इन्हें 2π अपॉन एन से घुमाते चले जाओ, एक्चुअली इन्हें आप घुमाते चले जाओगे तो बाकी के सारे रूट्स आपको मिल जाएंगे। तो मैं 2π अपॉन एन से घुमाते चलो, तो 2π अपॉन एन से घुमाऊंगा तो ये मिलेगा, फिर से घुमाऊंगा तो ये मिलेगा। सिंस मैं एक सर्किल में ही घूम रहा हूं तो एक तरीके से सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे बोल सकते हो कि एक यूनिट रेडियस सर्किल के एन इक्वल टुकड़े कर दो, पूरी जो सर्कमफेरेंस है उसके एन इक्वल टुकड़े कर दो स्टार्टिंग फ्रॉम वन, पहला रूट ये वन ही रहना चाहिए, बाकी एन बराबर टुकड़े कर दो, तो सारे एन रूट्स ऑफ यूनिटी की लोकेशन एक झटके में आपको मिलेगी। तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा रेस टू एन माइनस वन, सो ये इनका पूरा ज्योमेट्रिकल लोकेशन हो गया। सारे रूट्स की वैल्यूज निकालना, इसके लिए हम कुछ सिंपल फेमस एग्जांपल्स भी ले लेते हैं। चलो एन होता है मतलब 2, तो ये सर्किल के दो बराबर टुकड़े करते हैं, तो दो बराबर टुकड़े करते हैं तो एक वन होता है दूसरा यहाँ पे आता, तो यू कैन से स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो वन एन माइनस वन रहता है, जो आपको अदरवाइज भी पता है। इसमें सबसे ज्यादा जो फेमस केस है वो है एन इक्वल टू 3 का, सारे एन रूट्स ऑफ यूनिटी में सबसे ज्यादा फेमस है। तो एक सर्किल के तीन बराबर टुकड़े करने होंगे, तो एक तो वन ही होगा, दूसरा ई रेस टू आएगा 2π/3, जो कि क्या होगा 10⁻⁰ + √3/2 और तीसरा ओमेगा स्क्वायर। तो ये तीन रूट्स आएंगे, तो ऐसे सबकी वैल्यूज आप निकाल सकते हो। आपको चार रूट चाहिए होते हैं तो हम चार पार्ट्स करते हैं, तो वन आयोटा माइनस वन माइनस आयोटा एंड सो ऑन करके सारे वैल्यूज मिल जाते हैं। ओके लास्ट इन nth रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज और करने वाले हम लोग। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये कि कोई भी nth रूट ऑफ यूनिटी को रेस टू n करोगे आप तो अनडाउटेडली 1 आएगा। सो ओमेगा रेस टू n इज 1, बाकी ओमेगा स्क्वायर रेस टू n इज 1, तो अगर आप जस्ट इतना ही बोलते हो तो बाकी सब तो नेचुरली 1 हो जाएंगे। सो दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, एक तरीके से सर्किल के n बराबर टुकड़े हो रहे हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं इसे सिंपल लैंग्वेज में ऐसे बोल सकता हूँ कि सारे वेक्टर्स का एडिशन यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी आप घुमाओगे उन सबका एडिशन जो है वो लॉजिकली 0 आना चाहिए। तो 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रेस टू अप टू ओमेगा रेस टू एन माइनस 1, ये पूरी चीज 0 आएगी। इसे आप चाहो तो जीपी से भी निकाल सकते हो, और उसमें ओमेगा रेस टू एन का टर्म आएगा वो 1 रखोगे तो भी 0 आ जाएगा, मतलब दोनों तरीके से निकाल सकते हो आप चाहो तो। ये दो प्रॉपर्टीज। एक और इसमें फेमस प्रॉपर्टी है, रेयरली काम में आएगी लेकिन
क्वेश्चंस में अटका सकती है आपको अगर आप थोड़ा ध्यान नहीं रखोगे तो। अगर मैं इन सारे रूट्स को रेस टू के करूंगा, सारे nth रूट्स ऑफ यूनिटी को, तो यू नो वो nth रूट्स ऑफ यूनिटी ही रहेंगे अगर के आपका मल्टीपल ऑफ n ना हो तो। अगर वो n का मल्टीपल नहीं है तो वो सारे जो nth रूट्स ऑफ यूनिटी है वो बस अपनी पोजीशंस चेंज कर लेंगे, पर रहेंगे वो वही के वही। लेकिन अगर के मल्टीपल ऑफ n हो गया तो फिर वो सब वन हो जाएंगे। तो इट इज दिस वन एंड ऑल ऑफ देम विल बिकम वन अगर के एम एन हो तो, जो कि आप चाहो तो वो e रेस टू आयोटा टू आर 2π/n रेस टू के, उससे भी समझ सकते हो आराम से। सारे रूट्स आपको देखेंगे कि रिलोकेट हो गए, बाकी कुछ चेंज नहीं हुए। ओके इसमें जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, लास्ट इसकी एक छोटी सी बात और कर रहे हैं। इसमें एक स्पेशल बात ये आती है जो किसी और नंबर्स में आती ही नहीं है, मतलब वो स्पेशल ब्यूटी इन्हीं की है। तो वो ब्यूटी ये है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की कि इसके जो नॉन रियल कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, बोले तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, अगर मैं इसको मान लो एल्फा बोलूं और इसको बीटा, तो एल्फा का स्क्वायर बीटा है, ठीक है। वो तो दिख रहा है कि एल्फा ओमेगा है तो बीटा, जो कि ओमेगा स्क्वायर है वो तो एल्फा स्क्वायर हो। लेकिन अगर आप बीटा स्क्वायर देखो तो बीटा ओमेगा स्क्वायर है, तो बीटा स्क्वायर ओमेगा रेस टू 4 होगा, जो कि ओमेगा क्यूब एन ओमेगा है, जो कि ओमेगा हो जाएगा, मींस बीटा स्क्वायर अल्फा हो गया। तो ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। क्या इंटरेस्टिंग बात है इसमें कि ये जो अल्फा बीटा है ये ऐसे नंबर्स हैं जो एक दूसरे के स्क्वायर है, एक दूसरे के स्क्वायर। कोई नंबर किसी के स्क्वायर हो ऐसा बहुतों में होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के स्क्वायर हो ऐसा एक्चुअली इन नंबर्स के अलावा और किसी में होता ही नहीं है। अलग अलग सेम नंबर्स में होता है। वन वन ले लो तो दोनों एक दूसरे के स्क्वायर है, लेकिन वन वन दोनों सेम ही है एक्चुअली। 2 4 ले लो तो 4 2 का स्क्वायर है, लेकिन 2 4 का स्क्वायर नहीं। तो ये जो अल्फा बीटा है इसमें ऐसा हो रहा है कि दोनों एक दूसरे के स्क्वायर है। तो ये इन नंबर्स की एक अपने आप में यूनिक प्रॉपर्टी है जो किसी और दो अलग अलग नंबर्स में, रियल ले लो आप चाहे कॉम्प्लेक्स ले लो, आती ही नहीं है इन दो के अलावा किसी और में। इस वीडियो के साथ हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर टेक्निकली पूरा खत्म हो जाता है। बाकी जो भी बातें हैं वो क्वेश्चन से रिलेटेड है, जो हम क्वेश्चन में डाउट्स में आगे देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।